हेलो वीवर्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, लेकिन ये एक कुकिंग की रेसिपी नहीं है बल्कि है एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, एक वॉशिंग मशीन का जो कि है फ्रंट लोड। तो आप जो इस इंस्ट्रक्टर को देख रहे हैं, ये घर पे आके इसका जो बैक पैनल होता है उसमें कुछ पाने से करना होता है वो कर रहे हैं। और बेसिकली होता क्या है, इसका जो कार्टन आता है ना उसके नीचे ही ये पाना भी साथ में आता है। तो आप कभी भी कार्टन तुरंत मत फेंकिए। मम्मी ने एक्चुअली कार्टन फेंक दिया था, देन वो नीचे से आ रहे थे तो लकीली उन्होंने कार्टन देख लिया था, क्योंकि जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं उन्होंने जब तक में वो कार्टन उठाया नहीं था। तो वो पाना लेकर आए साथ में, उसका जो भी फिक्सेशन था वो कर दिया। एंड अभी ये जा रही है अपनी जगह पे जहाँ इसे हमें रखना है। तो इन्हें हेल्प कर रहे हैं फहीम, और ये है हमारा किचन एरिया जहाँ पे हम यह मशीन रखने वाले हैं। तो हमारे एरिया में राहुल करके एक शोरूम है जहाँ से हमने ये परचेज किया है। बहुत अच्छी डील मिली है हमें, क्योंकि इसका जो MRP चल रहा है वो है अराउंड 39,000, लेकिन हमें ये एक्सटेंडेड वारंटी, एक साल की तो ऑलरेडी है, साथ में 3 साल और वारंटी, यानी कि टोटल 4 साल की वारंटी मिल गई है इस मशीन पे सिर्फ 31,000 में। सब कुछ वारंटी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, और 10 साल साथ ही में इसकी मोटर वारंटी भी मिल चुकी है हमें। अब ये इंस्ट्रक्टर दे रहे हैं हमें डेमो। कपड़ा डाल दिया आपने, नल ऑन किया, स्विच ऑन किया, डोर बंद किया, यहाँ पे सर्फ रख दिया, बंद कर दिया, यहाँ से पावर और नॉर्मल के लिए स्टार्ट कर दिया। एक दो राउंड घूमेगा, रुक जाएगा, पीछे से पानी लेगा, जब तक अपने लेवल को पानी नहीं पाएगा आपका मशीन चालू नहीं होगा। यहाँ पे टाइम आएगा उतने मिनट तक आपका मशीन चलेगा, जिसमें वॉश, रिंस, स्पिन तीन ऑटोमेटिक काम करेगा। कपड़ा धोएगा, खनालेगा और सुखा देगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ 1 मिनट आए, कपड़े के हिसाब से वो कम ज़्यादा होता रहेगा। अगर ज़्यादा कपड़े लेंगे तो ज़्यादा टेंशन आएगा। ठीक है। स्पोर्ट वेयर में जो छोटे बच्चे खेल कूद के आते हैं उनके कपड़े धोने हैं, जेंटल वेयर में स्वेटर वगैरह धोना उन्हीं कपड़े, डार्क कपड़ों के लिए है। स्टीम केयर, घर में कोई बीमार वगैरह है अगर उनका कपड़ा धोना है तो 40 डिग्री तक पानी गर्म करेगा, 3 घंटा 32 मिनट ले जाइए कपड़ा धोएगा। क्विक वॉश में, सॉरी साइलेंट वॉश है, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस से आ रहे हैं, रात को मशीन चालू कर रहे हैं और चाहते हैं कि सो जाएं, आवाज़ ना करें, तो साइलेंट वॉश पर डालेंगे तो लास्ट में जो बीप बजता है वो बीप नहीं बजेगा। इसमें बीप बचेगा? हाँ बचेगा। 30 मिनट में सारा काम करेगा, कपड़ा धोएगा, खंगालेगा और सुखा देगा। ये डाउनलोड स्वेटर है, मोबाइल से ऑपरेट होएगा, वो बताता हूँ। बेबी स्टीम केयर, छोटे बच्चे वगैरह हैं, सूसू कर देते हैं, उनके कपड़े धोने, गर्म पानी में धोएगा, 60 डिग्री तक पानी गर्म करेगा। अच्छा, खुद ही गर्म भी करेगा जी। एनर्जी केयर में कोई घर में बीमार वगैरह है, जो सेम यहाँ स्टीम में, यहाँ पे 40 डिग्री दिखा रहा था, यहाँ पे 60 डिग्री में गर्म करेगा पानी। ड्यू टेक 1 घंटा 41 मिनट टाइमिंग फिक्स है इसमें। इजी केयर में हल्के गंदे कपड़े धोने हैं, मिक्स में सारे मिक्स कपड़ा धोना है, कॉटन प्लस में बेडशीट वगैरह धोना है। और एक इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको सिर्फ कपड़ा सुखाना है ना कि वॉश करना है, तो बस इसे पावर ऑन करना है, स्पिन का एक बटन है वहाँ प्रेस करके प्ले कर देना है। तो जितने क्वांटिटी में कपड़े हैं उसके हिसाब से वो खुद से ही टाइमर लगाएगा, खुद से ही कितना स्पिन करना है वो स्पीड लगाएगा, एंड अपने आप से कपड़ा जो कि सूख के निकल जाएगा। या नीचे साइड में एक लॉक जैसा है, नॉब जैसा है, उसे खोल के आपको हर 2-3 दिन में क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि अगर कोई बटन शर्ट का वगैरह टूट के गिर गया हो मशीन में धुलाई के दौरान, या कोई कॉइन रह गया हो तो वो यहाँ पे जाके जमा हो जाता है, तो आपको 2-3 दिन में इसे चेक करना होता है। अब बस इसे आप इसे लगा दीजिए इसे वापस और लॉक कर दीजिए। अब ये जो पैनल है ब्लू वाला, इसमें आपको डालना है कम्फर्ट, अगर किसी कपड़े में ज़रूरत हो तो वो लेता है वरना नहीं लेता है, और आपको डिटर्जेंट सिर्फ एक कॉलम में डालना होता है। और अगर आप मशीन लेने वाले हैं ये वाली, तो एक ध्यान रखें कि आपको जो डिटर्जेंट यूज़ करना है वो मैटिक यूज़ करना है, जिसपे मैटिक लिखा होता है, या फिर लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको वो डिटर्जेंट यूज़ करना होता है जिसमें ज़्यादा झाग ना आए, क्योंकि ये फ्रंट लोड मशीन है, अगर ज़्यादा झाग होगा तो डोर से बाहर आ जाएगा।